वेलकम टू एएसआर यंग गाइस। इस वीडियो में हम देख रहे हैं महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फिफ्थ स्टैंडर्ड की ईवीएस की टेक्स्ट बुक, ईवीएस पार्ट वन। ईवीएस बहुत बोरिंग लगता है ना आप लोगों को, लेकिन क्या आप लोगों को पता है एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट मतलब जो हमारे आजू बाजू है, एनवायरनमेंट हमारे आस पास है, उसकी जब हम स्टडी करेंगे तो हमको इतनी सारी जानकारी मिलेगी, इतने हमारे सवालों के जवाब हमको मिलेंगे। आप सोचते होंगे कई सारी चीजों के बारे में, जैसे कि आप सन की बात ले लो। सन जो है, सन हमें दिन में दिखता है, रात में नहीं दिखता। तारे हमें रात में दिखते, दिन में नहीं दिखते। अब ये क्या बात है? क्या तारे रात में गायब, रात में दिखते दिन में गायब हो जाते? ऐसे कैसे तारे गायब कैसे हो सकते? वो तो आसमान में ही है। तो सन जब होता है, जब सनलाइट होती है, तब तारों की चमक जो है, तारों की रोशनी जो है, वो उसके सामने फीकी पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि तारे बहुत 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 दूर है, इतने दूर है कि आप सोच भी नहीं सकते। उनकी लाइट को हम तक पहुंचने को सालों लगते, सालों बाद वो लाइट हम तक पहुंचती, तो आप सोच सकते कितने दूर हो गए वो। और लाइट तो सबसे फास्ट स्पीड में, जो जो दुनिया में दिया, जो यूनिवर्स में जब सबसे फास्टेस्ट स्पीड है, वो लाइट की स्पीड है। लेकिन वो लाइट को भी सालों लगते हम तक पहुंचने को, तो आप सोच सकते हो। तो तारे इतने दूर है, इसलिए उनकी रोशनी जो है, वो हमको ऐसे ट्विंकलिंग स्टार्स तो दिखते हैं रात में, लेकिन सन जो है हमारे सबसे पास वाला स्टार है। क्या आपको ये पता था? सन एक स्टार है। हाँ, सन एक स्टार है। तो सन वो स्टार है जिसके इर्द गिर्द हम घूम रहे हैं, अर्थ घूम रहा है। और सिर्फ अर्थ ही नहीं, और भी प्लैनेट्स है जो सन के गोल गोल घूमते हैं। आप में से काफी लोगों को ऑलरेडी प्लैनेट्स के बारे में पता होगा, ये बहुत ही अच्छी बात है। प्लैनेट्स हमारे 8 प्लैनेट्स है सोलार सिस्टम में। तो सन के इर्द गिर्द घूमने वाले ये जो है उनको प्लैनेट्स कहते हैं। वो हमारा सिस्टम है, सोलार सिस्टम है, तो मेनली सोलार सिस्टम ये है। तो हम अर्थ के बारे में जाने, हम हमारे सोलार सिस्टम के बारे में जाने, वही हम ये चैप्टर में करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो स्टार्स के बारे में हमने ऑलरेडी समझ लिया कि स्टार्स अर्थ से बहुत बहुत दूर है और स्टार्स ट्विंकल करते हैं। लेकिन हम आसमान में अगर रात में देखेंगे तो हमको कुछ डॉट्स दिखेंगे जो ट्विंकल करते हैं और कुछ नहीं ट्विंकल करते। उनकी लाइट दिखती है हमको, लेकिन वो ट्विंकल नहीं कर रहे होते। क्या आपको पता है? वो स्टार्स नहीं होते हैं, वो प्लैनेट्स होते हैं। तो प्लैनेट्स भी आसमान में, हमको प्लैनेट्स भी आसमान में दिखते, लेकिन वो भी इतने छोटे ही दिखते, लेकिन वो पास है, तो इसलिए हमको छोटे तो दिखते लेकिन उनकी ट्विंकलिंग नहीं होती है, वो स्टार्स नहीं होते। तो जब आप कोई टेलीस्कोप से देखोगे तो आपको पता भी चलेगा कि वो हमारे आसपास के प्लैनेट्स होते हैं। हमको वीनस भी स्पेस में दिखता है रात में, ठीक है। देखिए, अब हमको पता चला कि स्टार्स के बारे में, दूसरा हमको सन और मून के बारे में ऑलरेडी पता है। हमारा मून जो है हमारे अर्थ के गोल गोल घूमता है, सन के गोल गोल हम घूमते हैं और हमारे गोल गोल मून घूमता है। तो ये सारी जो चीजें, इसको कहते हैं हेवनली बॉडीज। सन, मून, प्लैनेट्स, सारा कुछ जो स्पेस में है उसको कहते हैं हेवनली बॉडीज। तो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, ये जो रेड में मार्क किया है, आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल के भी इसमें ये मार्किंग्स कर सकते हैं। व्हाट आर हेवनली बॉडीज? तो द सन, द मून, द स्टार्स, द प्लैनेट्स एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी चीजें जो हम ये चैप्टर में भी पढ़ने वाले, ये सबको जो स्पेस में है उन सबको कहते हैं हेवनली बॉडीज, ठीक है। अब देखिए आगे हमको यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करने कहा जा रहा है, ट्राई करने के लिए कहा जा रहा है कि आप रात में स्काई को देखो और उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन करो कि हेवनली बॉडीज की ब्राइटनेस कैसे। आप रात में स्टार्स को देखो और पता करो कि क्या वो ब्राइट है, कितने ब्राइट है, क्या उनकी ब्राइटनेस अगर एक हफ्ते बाद आप देखोगे तो क्या कम हो जाती है, ट्विंकल करते सारे ट्विंकल करते कि नहीं। आप ये रात में स्टार्स को जरूर देखना, आपको पता चलेगा कि कोई एक आधा स्टार होगा क्लियर नाइट में जब आप स्टार्स को देखोगे, कि कोई होगा जो ट्विंकल नहीं कर रहा है, तो आप समझ जाना वो स्टार नहीं है, वो प्लैनेट है। तो यही है, उनके कलर्स, साइज के बारे में आप देखो, ऑब्जर्वेशन करो, उनकी पोजीशन क्या चेंज होती है वो भी आप देखो। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन करने को कहा जा रहा है। फिर देखिए, स्टार्स के बारे में हम पढ़ेंगे तो स्टार भी ऑफ कोर्स हेवनली बॉडी है, लेकिन स्टार्स की खासियत क्या है कि वो ट्विंकल करते हैं। हमने बचपन से ही पढ़ा है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, तो वही है, स्टार्स ट्विंकल करते हैं और स्टार्स के पास खुद की लाइट होती है। जैसे हमारे पूरे सोलार सिस्टम में सिर्फ सन ही है जिसके पास खुद की लाइट है, बाकी सारे प्लैनेट्स, मून, सबको सन ही लाइट देता है। मून लाइट कुछ अलग नहीं होती, मून लाइट एक्चुअली सन की लाइट मून पर पड़ती है, और मून से जो हमारे पास लाइट आती है उसको हम मून लाइट कहते हैं। मून खुद की रोशनी नहीं लाता, मून के पास खुद की कोई रोशनी नहीं है, तो सिर्फ सन ही है जिसके पास खुद की लाइट है सोलार सिस्टम में।
लेकिन ऐसे 16, जैसे हमने कहा, यहाँ देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको हमेशा याद रखना, द सन इज अ स्टार। सबसे पास जो हमारे पास स्टार है वो सन है, क्योंकि वो इतना पास है हमसे, इसलिए हमको वो कंपेयर टू अदर स्टार्स, इसीलिए वो हमको इतना बड़ा दिखता है। बाकी स्टार जो है स्पेस में जो हमको दिखते हैं वो शायद सन से भी बहुत बड़े हैं, लेकिन हमको इतना छोटू से दिखते हैं, और सन इतना बड़ा। तो सन इज द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, हम सन के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो ये बात है। तो सोलर सिस्टम सिर्फ सन के इर्द गिर्द घूमने वाली चीजों के बारे में है, लेकिन हम जब स्पेस के बारे में पढ़ेंगे तो काफी सारी चीजें उसमें, तो हर एक स्टार के पास खुद की लाइट होती है। तो स्टार की खासियत क्या है कि उनके पास खुद की लाइट होती है, और हम जब स्टार्स को देखते हैं तो वो ट्विंकल करेंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे सन बताया गया है, तो अभी देखो हमने ऑलरेडी बात की कि हमको स्टार्स दिन में नहीं दिखते, रात में दिखते सिर्फ। क्यों नहीं दिखते? क्योंकि सन की जो ब्राइट लाइट है दिन में, उसकी वजह से हमको स्टार्स नहीं दिखते। तो वही यहाँ लिखा है, इन इट्स ब्राइट लाइट, इन द सन्स ब्राइट लाइट ड्यूरिंग द डे वी कैन नॉट सी अदर स्टार्स। तो स्टार्स की बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट है प्लैनेट्स। प्लैनेट्स के बारे में क्या है, प्लैनेट्स किसे कहते हैं? तो प्लैनेट्स भी हेवनली बॉडीज है, स्टार्स भी हेवनली बॉडीज है। जब हम स्पेस में देखेंगे, स्काई में देखेंगे रात में, तो हमको प्लैनेट्स भी दिखते हैं। प्लैनेट्स की खासियत मैंने बताया क्या है, कि वो ट्विंकल नहीं करेंगे। तो हेवनली बॉडीज दैट डू नॉट ट्विंकल आर कॉल्ड प्लैनेट्स। प्लैनेट्स डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, है ना, दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड दे गेट लाइट फ्रॉम द स्टार्स। उनके पास स्टार्स की लाइट आती है। जैसे हमारे सारे प्लैनेट्स जो सोलर सिस्टम है वो किससे लाइट लेते हैं? सन से लाइट लेते हैं। तो सन की लाइट सबसे रिफ्लेक्ट होके हम तक पहुंचती है, तो ये बात है। अब तो हमने स्टार देख लिया, प्लैनेट देख लिया, तीसरी चीज आती है सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम में क्या क्या आएगा? सोलर सिस्टम में काफी सारी चीजें आती है, लेकिन अब तक जो हमने एक चीज समझी है वो है सन तो होगा ही, क्योंकि सोलर सिस्टम मतलब सन के अराउंड घूमने वाली चीजें। तो बीच में तो एक सन है, अर्थ, हम अर्थ सन के अराउंड घूमता है, लेकिन सिर्फ अर्थ एक ही प्लैनेट नहीं है जो सन के अराउंड घूमता है, 8 प्लैनेट्स है, और सबसे नजदीक जो सन के प्लैनेट है वो है मर्क्यूरी। तो यहाँ देखिए आपको ये याद रहना पड़ेगा इन ऑर्डर, सबसे पहले मर्क्यूरी घूमता है गोल गोल, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, और लास्ट में नेपच्यून। 8 प्लैनेट्स है ये। इसको याद रखने का एक सिंपल तरीका भी है, बताओ। ये देखिए, क्लेवर वे टू रिमेम्बर द ऑर्डर ऑफ प्लैनेट्स, ये आपको याद रखना, इसको कहते हैं निमोनिक। My very educated mother just served us nachos. My तो M आया, V मतलब very, तो ये जो है my तो म से पहले आएगा, M से mercury, V से Venus, फिर educated E से earth, mother का M है जो वो है Mars, फिर J से Jupiter, S से Saturn, U से Uranus और N से Neptune. तो अगर आपने ये sentence याद रखा, My very educated mother just served us nachos. अगर आपको nachos नहीं पसंद तो आप इसको noodles भी बना सकते हैं। तो my very educated mother just served us noodles. N से आप इसको कुछ भी रख सकते हैं। तो इससे हम my तो म से आप याद रखना है हमको, M से mercury, फिर Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus और Neptune. तो जब ये sentence याद रखोगे तो आपको order भी याद हो जाएगा, है ना, clever तरीका, very good. अब देखिए, अब हमको प्लैनेट्स के बारे में भी पता चल गया। ये देखिए, और एक आपकी बुक में फोटो भी है कि प्लैनेट्स जो है सन के अराउंड कैसे घूमते हैं। देखिए, ये बीच में सन है, सबसे पहले आया मर्क्यूरी, माय वेरी एडुकेटेड मदर। मून को हमको नहीं पढ़ना है, मून प्लैनेट नहीं है, मून के बारे में हम आगे देखने वाले हो, सैटेलाइट्स के बारे में। माय वेरी एडुकेटेड मदर, फिर ये आगे मार्स के आगे जुपिटर, तो जस्ट सर्व्ड अस मॉडल्स, राइट। तो ये हो गया मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। और आप देख सकते हैं थोड़े प्लैनेट्स है उनको रिंग्स भी है, सबसे फेमस रिंग्स तो सैटर्न की है, लेकिन क्या आपको पता है जुपिटर को भी रिंग्स होती है, यूरेनस को भी रिंग्स होती है, हालांकि वो उल्टा घूमता है, वो ऊपर नीचे ऐसे घूमता है, तो इन सबको रिंग्स है, 3 प्लैनेट्स है। आप देख सकते हैं मर्क्यूरी काफी छोटा है और जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस तो काफी बड़े हैं, है ना, जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है। तो अब हम आगे देखेंगे हमारे टेक्स्ट में। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा कि
सोलर सिस्टम में सन है, सन के अराउंड काफी सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, अर्थ भी घूमता है। तो ये जो प्रोसेस होता है, हम जो अर्थ सन के अराउंड घूमता है उसको कहते हैं रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। व्हाट इज रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ? मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन इज कॉल्ड रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। राइट, सारे प्लैनेट्स अर्थ के अलावा जो बाकी 7 प्लैनेट्स है वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, रेवोल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। ये देखिए अर्थ का फोटोग्राफ भी, अगर हम स्पेस से अर्थ को देखेंगे तो हमको ऐसे दिखेगा, है ना प्यारा प्लैनेट। अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि बहुत सारा पानी है अर्थ पे। ये देखिए, अभी हमको पढ़ना है प्लैनेट्स ऑर्बिट के बारे में। ऑर्बिट क्या है? ये पाथ जो हमने देखा ये फोटो में, ये जो हमको लाइन दिख रही है ये सर्कुलर, ये ऑर्बिट है। ये एक्चुअली यहाँ पे ये रास्ता है जिसके ऊपर से मर्क्यूरी है, इस रास्ते गोल रास्ते से जा रहा है, सन के राउंड राउंड रिवॉल्यूशन हो रहा है उसका। वीनस का और एक रास्ता है, लेकिन सच में स्पेस में ये रास्ते होते नहीं है, लेकिन जो रास्ते पे वो चलते हैं उसे ऑर्बिट कहते हैं। तो ये इमेजिनरी लाइन्स है, ये सचमुच स्पेस में लाइन्स नहीं होती है, तो इनको कहते हैं ऑर्बिट। तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, प्लैनेट्स ऑर्बिट। व्हाट इज प्लैनेट्स ऑर्बिट? एवरी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द सन अलोंग अ स्पेसिफिक पाथ। पाथ मतलब के रास्ता, तो उस रास्ते को प्लैनेट की ऑर्बिट कहते हैं। दिस पाथ इज नोन एज प्लैनेट्स ऑर्बिट। ठीक है, अब देखिए हमने सोलर सिस्टम में अब तक देखा, फोटो में भी हमने देखा रिगार्डिंग द सन एंड द प्लैनेट्स। पर सोलर सिस्टम में सिर्फ सन और प्लैनेट्स नहीं है, और भी हेवनली बॉडीज है। और ये और हेवनली बॉडीज कौन सी है? सबसे पहले देखिए सैटेलाइट्स के बारे में। हम सिर्फ एक ही सैटेलाइट को जानते हैं, वो है मून। मून एक नेचुरल सैटेलाइट है। हम स्पेस में ह्यूमन भी स्पेस में सैटेलाइट्स भेजते हैं, वो मैनमेड सैटेलाइट्स है। लेकिन नेचुरल सैटेलाइट जो है अर्थ की, वो है मून। मून अर्थ के गोल गोल घूमता है, अर्थ सन के गोल गोल घूमता है और मून अर्थ के गोल गोल घूमता है। राइट, तो मून हमारी सैटेलाइट है। वैसे ही और भी प्लैनेट्स है, जुपिटर सैटर्न, इन सब की भी सैटेलाइट्स होती है, मार्स की भी। तो ये उनकी सैटेलाइट्स जो है उनके गोल गोल घूमती है। तो हमारे सैटेलाइट अर्थ की सैटेलाइट का नाम मून है ना। तो वो बात होती है, बाकी प्लैनेट्स के भी मून्स होते हैं, उनको अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं। तो ये है, ये देखिए, तो सैटेलाइट्स क्या है? हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड प्लैनेट्स। प्लैनेट्स क्या है? हेवनली बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड सन। तो अब सन के अराउंड तो हम घूम रहे हैं, लेकिन हमारे अराउंड भी कोई घूम रहा है, वो सैटेलाइट है। दे डू नॉट हैव देयर ओन लाइट। हर एक चीज को सोलर सिस्टम में लाइट कहां से मिलती है? सन से। तो मून लाइट भी कहां से आती है? सन से। ठीक है, सन की लाइट मून पे पड़ती है, और फिर वो मून की लाइट जब हम पर पड़ती है तो हमको वो मून लाइट दिखती है। ठीक है, ये देखिए, ये हमारा मून है, फुल मून। फिर देखिए नेक्स्ट है ड्वार्फ प्लैनेट्स। तो अदर हेवनली बॉडीज हमने देखा, प्लैनेट और सन के अलावा सैटेलाइट्स है। अब ड्वार्फ प्लैनेट्स भी कुछ होते हैं। प्लैनेट्स तो हमने ऑलरेडी समझे, ड्वार्फ मतलब क्या? बटका। तो बटका मतलब छोटा, तो ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं? छोटे प्लैनेट्स। तो हमारे स्पेस, हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के अलावा और छोटे प्लैनेट्स भी है। नेप्ट्यून के आगे प्लूटो है, और भी प्लैनेट्स है, उन्हें ड्वार्फ प्लैनेट्स कहते हैं, वो छोटे प्लैनेट्स है। तो मेन प्लैनेट्स जो हम याद करते हैं, जो हमने माय वेरी एडुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स वाला किया, वो 8 क्या है? वो प्लैनेट्स है। उसके आगे जो है सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स, उनको ड्वार्फ प्लैनेट्स कहते हैं। और इसका सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है प्लूटो। प्लूटो शायद आपको पता होना चाहिए, प्लूटो पहले प्लैनेट था, लेकिन प्लूटो बहुत छोटा निकला और बहुत दूर निकला, उसको प्लैनेट से हटा के ड्वार्फ प्लैनेट बना दिए। क्योंकि जब हम और स्पेस में और रिसर्च कर रहे थे और हम आगे देख रहे थे, तो हमको और प्लूटो की तरह आगे भी और बहुत सारे प्लैनेट्स मिल रहे थे। अब हम बच्चे कितना प्लैनेट्स याद करेंगे, कितने नाम याद करेंगे, 8 को बढ़ा के 16, 17 कितने करते जाएंगे। तो हमने सोचा प्लूटो को ही हटा देते हैं, सिर्फ 8 याद रखेंगे और बाकी सबको ड्वार्फ प्लैनेट्स बना देंगे। तो ये सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स बन गए हैं। अब और एक नई चीज हम पढ़ने वाले हैं, ये है एस्टेरॉइड्स। अब ये एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉइड्स भी हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। क्या आपको यहाँ पे दिख रहे हैं एस्टेरॉइड्स इस फोटो में? हाँ, ये देखिए, ये सर्कुलर शेप के नहीं होते, थोड़े होते भी है, लेकिन जनरली ये पत्थरों की तरह होते,
जो सन के अराउंड घूम रहे हैं, इसे तो हम प्लैनेट्स नहीं कह सकते। जो नेपच्यून के आगे है, प्लूटो वगैरह, उनको तो हमने ड्वार्फ प्लैनेट्स कह दिया, पर ये तो प्लैनेट्स के बीच में है। क्या आप देख सकते हैं कौन से दो प्लैनेट्स के बीच में एस्टेरॉइड्स है? यस, मार्स और जुपिटर। इन दो ऑर्बिट्स के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट होता है। सारे एस्टेरॉइड्स यहाँ है जो सन के गोल गोल घूम रहे हैं, तो इन सबको एस्टेरॉइड्स कहते हैं। इसका डेफिनेशन देखे, ये देखिए, बिटवीन द प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर देयर इज अ बैंड ऑफ न्यूमरस, मतलब लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल हेवनली बॉडीज, दे आर कॉल्ड एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स आल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन। सही है, सिंपल। हमने एस्टेरॉइड्स के बारे में भी जान लिया। अब देखिए आगे क्या है। मून जो है, मून सबसे पास है अर्थ के। कौन सी हेवनली बॉडी है जो हमारे सबसे पास है? मून, जो हमारे ही गोल गोल घूम रहा है, तो इसीलिए वो इतना बड़ा दिखता है। हालांकि सन के सामने तो मून बहुत ही छोटा है, लेकिन सन कंपैरेटिवली बहुत दूर है ना? फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए क्या है, यहाँ पे सवाल पूछे जा रहे हैं हमसे। चलिए इन पांच सवालों का जवाब भी दे देते हैं। पहला क्या है, विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन? देखिए पिक्चर देख के ही हमको जवाब देना है। सन के सबसे नजदीक प्लैनेट कौन सा है? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ, मर्क्यूरी। वेरी सिंपल। सो यू आर राइट, विच प्लैनेट इज नियरेस्ट टू द सन? मर्क्यूरी। सेकेंड क्वेश्चन, एट व्हाट पोजीशन इज द अर्थ फ्रॉम द सन? देखिए क्विक क्विक फोटो देखिए, तो व्हाट पोजीशन? मर्क्यूरी फर्स्ट पोजीशन पे है, वीनस सेकेंड। अर्थ का पोजीशन क्या है? थर्ड। राइट, यू आर राइट। सो एट विच पोजीशन इज द अर्थ फ्रॉम द सन? थर्ड। थर्ड सवाल देखते हैं, विच प्लैनेट इज प्लेस बिटवीन अर्थ एंड मर्क्यूरी? चलिए देखते हैं फिर से। मर्क्यूरी ये रहा, अर्थ ये रहा, दोनों के बीच में कौन सा प्लैनेट है? यस करेक्ट, वीनस। चौथा सवाल क्या है देखो, नेम द प्लैनेट्स बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ मार्स इन सीरियल ऑर्डर। हमको ये तो पता है अभी, मर्क्यूरी वीनस अर्थ मार्स तो हो गया, उसके आगे के प्लैनेट्स हमको बताने हैं ऑर्डर में। तो मार्स के आगे तो जुपिटर से है ना? तो माय वेरी एडुकेटेड मदर हो गया मार्स तक, उसके बाद हमको क्या करना है? जस्ट सर्व अस नूडल्स, जुपिटर सैटर्न यूरेनस नेपच्यून। सिंपल। तो फोर्थ क्वेश्चन का जवाब है जुपिटर सैटर्न यूरेनस और नेपच्यून। फिफ्थ सवाल क्या है, विच प्लैनेट इज फर्थेस्ट फ्रॉम द सन? सन से सबसे दूर कौन सा प्लैनेट है? लास्ट वाला, नूडल्स वाला, नेपच्यून। तो ये सही हो गया, ये भी आंसर है नेपच्यून। सो काफी सिंपल हो गए ये सवाल, हमने सारे सवालों के सही सही जवाब दे दिए। वेल डन। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम एक नई चीज सीखने वाले, ये है ग्रेविटी। अब जरा सोचो, अगर ये देखिए यहाँ थोड़े सवाल भी, हम इसी को पहले देख लेते, तीन सवाल है, लेट्स सी इसके जवाब आप सही देते हैं या नहीं। जब एक पेड़ पे लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स होते हैं, वो पेड़ से गिरते हैं, तो किस डायरेक्शन में गिरते हैं? इन विच डायरेक्शन डू दीज थिंग्स फॉल? नंबर वन, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स फ्रॉम अ ट्री, कौन से डायरेक्शन में गिरते हैं? विच डायरेक्शन? अप, डाउन, लेफ्ट, राइट? यस, यू आर राइट, ऑफ कोर्स डाउन। रॉक्स दैट कम लूज फ्रॉम अ हिल साइड, अगर माउंटेन से रॉक्स गिर रहे, पत्थर गिर रहे, तो किस डायरेक्शन में गिरेंगे? लेफ्ट, राइट, अप के डाउन? ऑफ कोर्स आप सही हो, डाउन। रेन, बारिश, बारिश स्काई से आती है, कहाँ गिरती है? ऊपर जाती है, नीचे जाती है, कि लेफ्ट राइट जाती है? ऑफ कोर्स नीचे आती है। तो तीनों का जवाब है डाउन। तो ये नीचे क्यों आती है चीजें? क्योंकि अर्थ उनको पुल कर रहा है, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है ये, इसकी वजह से, ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ रिमेन ऑन इट। नहीं तो हम तो स्पेस में उड़ते लगते अगर अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल नहीं होता तो, है ना? तो ये जो है, ये फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। तो हर एक हेवनली बॉडी जो है, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसकी होती है, जिससे वो बाकी ऑब्जेक्ट्स को पुल करती है। और ये ग्रेविटेशनल पुल जो है अर्थ का, उसकी वजह से इवन मून पे हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है, जिसकी वजह से मून अर्थ के गोल गोल घूमता है। तो ऑफकोर्स आपने सही समझा, अर्थ सन के गोल गोल क्यों घूमता है? क्योंकि सन अपना ग्रेविटेशनल पुल अर्थ पे लगाता है, और सारे प्लैनेट्स पे लगाता है जो उसके गोल गोल घूमते हैं। सही है ना? तो ये देखिए, व्हाट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी?
ऑल हेवनली बॉडीज एग्जर्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और अ पुल ऑन वन अनदर. दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी. सन एग्जर्ट्स अ ग्रेविटेशनल पुल ऑन ऑल प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ. ठीक है, इसीलिए तो वो फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं. प्लैनेट्स इसीलिए, प्लैनेट्स को एक्चुअली सन से दूर जाना होता है. दे हैव अ टेंडेंसी टू मूव अवे फ्रॉम द सन. वो तो अपना आगे सीधा सीधा जाना चाहते हैं, लेकिन सन उनको पुल करता है, जिसकी वजह से वो प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द घूमने लगते हैं. एक फिक्स डिस्टेंस पर अटक के फिर वो फिक्स ऑर्बिट में घूमने लगते हैं. वैसे ही प्लैनेट्स जैसे सन के अराउंड घूमते हैं, वैसे ही सैटेलाइट्स प्लैनेट्स के अराउंड घूमती है. तो ये सब कुछ फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से होता है. ठीक है, अब देखते हैं नया नया वर्ड भी हमको यहाँ सिखाया जा रहा है. देखिए, स्पेस. स्पेस तो हमको पता है, पूरा जो है यूनिवर्स स्पेस है. वो यूनिवर्स में स्पेस ही है. स्पेस में काफी सारी चीजें है, जैसे सन है, स्टार्स है. नो, सन इज ऑल्सो स्टार. सो स्टार्स है, प्लैनेट्स है. तो बाकी सब चीजें जो है, जो बाकी एम्प्टी जगह है, जो हमको काला बाकी दिखेगा पूरा, वो एम्प्टीनेस को स्पेस कहते हैं. The emptiness between the stars and beyond the stars and planets is called space or outer space, है ना? अब देखिए, हम तो अर्थ पे, लेकिन हम चाहते हैं हम आगे स्पेस में भी देखें. टेलीस्कोप से तो हम देखते हैं, हमको दिखते हैं प्लैनेट्स, दिखते हैं स्टार्स, दिखते हैं टेलीस्कोप से. लेकिन हम उन तक पहुंच के उनके बारे में जानना चाहते हैं. हम मून तक पहुंचना चाहते हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं कि मून पे एक्चुअली क्या है. तो ये एक्चुअली पॉसिबल हुआ है. ह्यूमंस ने ये करके दिखाया है, हमने भी ये किया है. तो ये देखिए, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स को जब स्पेस में भेजना चाहते हैं तो बहुत सारा पावर लगता है, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल किसी चीज को जाने ही नहीं देता. तो हमको बहुत पावर लगा के अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल को एस्केप करके हमको बाहर निकलना होता है. तो ये जो है, ये कौन सी टेक्नोलॉजी से होता है? स्पेस लॉन्च टेक्नोलॉजी, रॉकेट टेक्नोलॉजी. तो हम रॉकेट भेजते हैं स्पेस में, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट जाके वो रॉकेट पहुंचती है स्पेस में. रॉकेट आपने दिवाली में भी जलाई होगी, ये वाली रॉकेट. ये रॉकेट भी वैसे ही बहुत सारा फोर्स लगाती है नीचे जमीन पर, पुश धर करके ऊपर जाती है वो स्पेस में, स्काई में जाती है. लेकिन हमारी जो रॉकेट है सैटेलाइट लॉन्च करने वाली, वो तो पूरा स्पेस में जाती है. तो ये दोनों रॉकेट्स आप अपने सामने देख रहे हो अभी, है ना? तो अब देखिए, अब हमको अगर रॉकेट भेजना है तो बहुत सारा एनर्जी लगेगी. बहुत सारी एनर्जी के लिए क्या चाहिए? बहुत सारा फ्यूल. जैसे अगर गाड़ी बहुत लंबे डिस्टेंस तक जाना चाहती है तो उसको बहुत सारा पेट्रोल चाहिए, फ्यूल चाहिए. पेट्रोल हो या डीजल हो, जो भी. तो वैसे ही रॉकेट्स को भी बहुत सारा फ्यूल चाहिए, ताकि वो इतना फोर्स लगा के अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल एस्केप करके स्पेस में जा सके, है ना? और उसका वजन भी बहुत होता है. रॉकेट का वजन होता है, जो सैटेलाइट रॉकेट कैरी कर रही होती है उसका भी काफी सारा वजन होता है. थाउजेंड्स ऑफ टन्स. एक टन मतलब हजार किलो, हजार हजार किलो, थाउजेंड इंटू थाउजेंड. तो काफी सारा वजन होता है जो ये स्पेस में जा रहा होता है. तो बहुत सारा फ्यूल लगता है, क्योंकि ये स्पेस टेक्नोलॉजी हमने मास्टर की है. हमारे काफी सारे एस्ट्रोनॉट्स, यहाँ देखिए आप, नाम है एस्ट्रोनॉट्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो स्पेस में गए हैं. हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, जिसने काफी कुछ स्पेस में भेजा है. देखिए, इसके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो, तो ये हमारा स्पेस का मेन ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का. इसने इवन मून पे भी सैटेलाइट भेजा है हमने. तो स्पेस क्राफ्ट टू द मून जो था, उसका नाम क्या दिया हमने? चंद्रयान, क्योंकि चंदा मामा है, चंद्रमा है. तो चंद्र और यान, यान मतलब व्हीकल. तो चंद्रयान, चंद्रयान वन और चंद्रयान टू दोनों हमने स्पेस में भेजे. उसके अलावा हमने मंगलयान भी भेजा है. मंगल ग्रह मतलब मार्स. तो मार्स पे भी हमने ऑर्बिटर भेजा है, उसको MOM भी कहते हैं, मार्स ऑर्बिटर मिशन, है ना? तो ये देखिए, ये 2013 में हमने लॉन्च किया. चंद्रयान तो 2008 में हमने लॉन्च किया, है ना? तो ये सब हमने करके दिखाया है. ठीक है, ये देखो, इसरो का ये एक्चुअली एक रिकॉर्ड है. हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है. कोई कंट्री ने पहले अटेम्प्ट में मार्स पे सक्सेसफुल मिशन नहीं भेजा, पर हमने पहली बार कोशिश की और हम सक्सेसफुल हुए. और हमारा मार्स ऑर्बिटर मिशन जो एक अनमैन्ड मिशन है, इवन चंद्रयान भी अब तक अनमैन्ड ही रहा है. मतलब हमने ह्यूमन स्पेस में नहीं भेजा है, सिर्फ सैटेलाइट जो है स्पेस क्राफ्ट स्पेस में भेजा है. तो चंद्रयान और मंगलयान हमने अनमैन्ड मिशन लॉन्च किए हैं. और ऑब्जेक्टिव क्या है इन मिशन का, हम क्यों भेज रहे हैं? ताकि हम मून को, मार्स को स्टडी कर सके. सिंपल, हमको उनके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए. उनकी सरफेस कैसी है,
तो सारा इंफॉर्मेशन जो है अर्थ पे रिले किया जाता है इंफॉर्मेशन सैटेलाइट से, तो वो हमको बेनिफिट मिलता है। ये देखिए मंगलयान ने ये फोटोग्राफ लिए, इसमें हमको इंडिया दिख रहा है यहाँ पे, है ना, ये हिमालयाज है, तो ये पूरा हमको दिख रहा है। फिर इनके बारे में हमको जानना है, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स ये एस्ट्रोनॉट्स थे, इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स थे, पर ये एक्चुअली नासा के साथ काम कर रहे थे। जैसे इसरो जो है, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो यूएस के स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को नासा कहते हैं। तो इनके बारे में थोड़ा और जानेंगे, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स, आइए देखते हैं। ये देखिए, ये है कल्पना चावला, फर्स्ट इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट इन स्पेस। वो इंडियन अमेरिकन वुमेन थी, वो इंडिया में बॉर्न हुई थी लेकिन बाद में वो अमेरिका में सेटल्ड हो गई थी और उन्होंने नासा ज्वाइन किया। जैसे इंडिया में इसरो है हमारी स्पेस एजेंसी, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, वैसा यूएस में नासा है, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो उन्होंने नासा को ज्वाइन किया और वहां से उन्होंने एस्ट्रोनॉट बनी थी, वो स्पेस शटल में स्पेस में जाती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2003 में इनकी डेथ हो गई, जब स्पेस शटल कोलंबिया स्पेस से वापस अर्थ में री एंट्री ले रही थी, तब उसका ब्लास्ट हो गया और इनकी डेथ हो गई। लेकिन ये इन्होंने हमको वो प्राउड मोमेंट दिया है कि वो फर्स्ट इंडियन वुमेन बनी जो स्पेस में गई है। तो ये कल्पना चावला, इनके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। और ये एक ही सिंगल वुमेन एस्ट्रोनॉट नहीं है, और भी काफी वुमेन एस्ट्रोनॉट है। दूसरी फेमस वुमेन एस्ट्रोनॉट जो है वो है सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स ये भी इंडियन एस्ट्रोनॉट है जो नासा में ज्वाइन किया था इन्होंने, और ये भी काफी सारे स्पेस मिशन कर चुकी है। तो ये अभी भी नासा में काम करती है और ये इन्होंने काफी सारे रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। 2015 में इनके रिकॉर्ड्स थे, हालांकि अभी ये रिकॉर्ड्स ओवरकम किए गए हैं, इनको बेटर किया गया है बाकी सारे फीमेल एस्ट्रोनॉट से, पर इनका रिकॉर्ड था 2015 में, लॉन्गेस्ट सिंगल स्पेस फ्लाइट बाय अ वुमेन, मोस्ट स्पेस वॉक्स बाय अ वुमेन, है ना, तो ये उनका रिकॉर्ड था। तो ये दो फेमस एस्ट्रोनॉट है, वुमेन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम इंडिया, कल्पना चावला एंड सुनीता विलियम्स। इसके अलावा और एक एस्ट्रोनॉट का जिनका नाम आता है, जिनके बारे में हमको पता होना चाहिए, वो है राकेश शर्मा। राकेश शर्मा वॉज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो इन स्पेस, और कब, 1984 में, काफी सालों पहले। तब वो स्पेस में हमने जब फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट भेजा था वो साल था, और वो स्पेस स्टेशन सोयूज स्पेस स्टेशन था किसका, रशिया का, रशिया तब उसका पुराना नाम रशिया का था, सोवियत यूनियन, सोवियत का जो स्पेस एजेंसी है सोवियत इंटरकॉस्मोस, उन्होंने इसरो के साथ ज्वाइन किया और ज्वाइंट मिशन भेजा गया जिसके अंदर राकेश शर्मा को स्पेस में भेजा गया। तो इज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो टू स्पेस। तो दो इन्फॉर्मेशन है, फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो टू स्पेस राकेश शर्मा, फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू गो टू स्पेस वुमेन कल्पना चावला, है ना। और जब राकेश शर्मा भी स्पेस में गए और जब उन्होंने स्पेस से इंडिया को देखा, तो पता है उन्होंने क्या कहा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सही है ना। फिर आगे देखिए, तो हमने ये देख लिया, ये देखिए और एक चीज है हमको पता होना चाहिए कि जो सैटेलाइट्स है, मून भी सैटेलाइट है लेकिन नेचुरल सैटेलाइट है। हम मैनमेड सैटेलाइट्स भी अर्थ के अराउंड गोल गोल घुमाते हैं, हम सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं जो अर्थ के अराउंड जाती है, हमने चंद्रयान लॉन्च किया जो मून के अराउंड जाता है, हमने मंगलयान लॉन्च किया है मैनमेड सैटेलाइट जो मार्स के अराउंड जा रहा है ना। तो जो मैनमेड सैटेलाइट्स होती है हम ये क्यों लॉन्च करते हैं, अर्थ के अराउंड सैटेलाइट्स क्यों भेजते हैं कि वो अर्थ के अराउंड घूमे, क्योंकि हमको अर्थ के अराउंड से स्पेस से हमको अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। हमको पूरा हमको मैप बनाना है, हम कितना ऊंचाई से फोटो लेंगे, लेकिन मैप मेकिंग के लिए अगर हम सैटेलाइट भेजेंगे वो तो पूरे अर्थ का अच्छा फोटो निकाल के मैपिंग सही से हो सकता है। तो मैप मेकिंग के लिए काम आता है, वेदर फोरकास्टिंग के स्टॉर्म कहाँ से कैसे जा रहा है वो पूरा स्पेस से जब हम सैटेलाइट से ये इन्फॉर्मेशन लेंगे तो वेदर फोरकास्टिंग के लिए काम आता है ना। फोरकास्ट करना मतलब प्रिडिक्ट करना, उसके बारे में अंदाजा लगाना कि वेदर कैसे जाने वाला है, तो वेदर की फोरकास्टिंग की जाती है। एनवायरमेंट के बारे में पता चलेगा कि किधर रिवर्स को गंदा किया जा रहा है, किधर हवा गंदी की जा रही है, किधर पेड़ काटे जा रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है, पूरा एनवायरमेंट के बारे में हमको सैटेलाइट से पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो मैनमेड सैटेलाइट्स के काफी सारे काम है, हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, इवन एग्रीकल्चर के लिए भी यूज होता है कि एग्रीकल्चर कैसे क्या है, मौसम कैसा है क्या है। तो एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट, वेदर फोरकास्टिंग, मैप मेकिंग, इवन जो सैटेलाइट स्पेस में होती है उनसे हमको ये भी पता चल सकता है वो ऐसे रेज भेजती है जो जमीन के अंदर जाएंगे,
और वो जमीन के अंदर जाके पूरी इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि कितना पानी कहाँ है, मिनरल्स कहाँ है, तो वो पूरा इंफॉर्मेशन भी हमको फोटो निकाली जा सकती है ऐसी। वो फोटोज जो होती है वो अर्थ के अंदर की फोटोज निकाली जा सकती है स्पेस से। तो पूरा हम ऐसे जमीन से फोटो निकालेंगे तो कितनी एरिया के बारे में हम पता कर सकेंगे कि जमीन में कहाँ है। पूरा इतने बड़े एरिया में जब हम कवर करेंगे तो हमको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि कौन से मिनरल जमीन के नीचे कहाँ है, पानी कहाँ है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन भी जो है हमको, इसको रिमोट सेंसिंग बोलते हैं, ये सारा इंफॉर्मेशन हमको सैटेलाइट से मिलता है। तो सैटेलाइट के बहुत सारे काम है। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट काम जो आप बहुत यूज करते हो, मोबाइल फोन्स, आपके पेरेंट्स भी बहुत यूज करते हैं। ये कहाँ से मोबाइल फोन्स चलते हैं? मोबाइल फोन्स में कोई वायर नहीं है, हम एक दूसरे से दूर दूर तक, एक देश से दूसरे देश तक कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? सैटेलाइट्स की वजह से। तो अर्थ के इर्द गिर्द सैटेलाइट जो घूम रही है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होती है, जिसकी वजह से हम ये भी कर सकते हैं। इंटरनेट कैसे आता है? तो ये सारे जो है सैटेलाइट्स का काम है कि वो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करती है। फिर ये देखिए, ऑलवेज रिमेम्बर में क्या है, हमको याद रखना है कि अर्थ जो है ये ओनली प्लैनेट हमको अब तक पता है जहां पे लाइफ है। अगर हमने अर्थ को इतना प्रदूषित कर दिया, इतना पोल्यूटेड कर दिया कि हम यहाँ रह नहीं पाएंगे, तो हमारे पास और कोई जगह नहीं है। वी हैव नो अदर ऑप्शन। स्पेस साइंटिस्ट ढूंढ रहे और कोई प्लैनेट हो जिसपे लाइफ हो सकती है, लेकिन अब तक हमको कोई और प्लैनेट नहीं मिला है। तो हमको हमारा प्लानेट संभाल के रखना है, हमारे जनरेशन के लिए, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी उनको हमको साफ, स्वच्छ, नो सुरक्षित और सुंदर अर्थ रखना है। तो हमको अर्थ की देखभाल करनी है, हमारे प्लानेट की देखभाल करनी है, उसको प्रदूषित नहीं करना है। फिर ये अब हो गया हमारा चैप्टर के मेन पॉइंट्स खत्म। अब ये मेन जो यहाँ पे हमने सीखा, व्हाट वी हैव लर्न्ड, हमको सब कुछ पता है अब क्लियरली। सन इज अ स्टार, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, कभी नहीं भूलना, सन इज अ स्टार। और सोलार सिस्टम के बारे में हमने सीखा ना, सोलार सिस्टम में क्या क्या आएगा? सन, प्लैनेट्स, देयर सैटेलाइट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स एंड एस्टेरॉइड्स, सारे सन के अराउंड घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो ये सब मिलके बनता है सोलार सिस्टम, फिर ग्रेविटी, ग्रेविटी जिसकी वजह से अर्थ के ऊपर चीजें रहती है, अर्थ के ऊपर जो पुल आता है, ग्रेविटेशनल पुल, जो कुछ भी चीज ऊपर होगी वो पुल होके अर्थ के ऊपर आएगी। हर एक प्लैनेट में, हर एक हेवनली बॉडी में ग्रेविटी होता है, ये भी हमने सीखा। और रॉकेट टेक्नोलॉजी के बारे में भी सीखा, सैटेलाइट्स कैसे भेजी जाती है ऊपर। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। होप आपने इसको अच्छे से समझा। इस वीडियो को भी बार बार देखिए और सारे पॉइंट्स को अच्छे से याद कीजिए, एक्सरसाइज करने के लिए आपको काफी काम आएगा। विश यू ऑल ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड क्लिक द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट्स।